हेलो फ्रेंड्स, ये जो गेम है इसका नाम है आइडेंटिटी 5। और पिछले टाइम मैंने जो वीडियो यानी कि फ़ोटोग्राफ़र के ऊपर डाला था कि मुझे किसी को भी जाने नहीं देना था, तो और मुझे हमेशा सबके ऊपर बहुत ही ज़्यादा तरस आता है जब भी मैं एंटर खेलती हूँ, तो मुझे कमेंट मिला था कि भाई आप बिल्कुल भी तरस ना खाते हो, जितना कठोर हो सके उतना खेलने की कोशिश की, यानी एकदम क्रूअल हंटर बन के खेलो। तो मैंने यहाँ पर ट्राई किया, मैं आपको ये बता देती हूँ। तो यहाँ पे यानी कि क्रूअल कैसा हंटर होता है, यानी कि वो किसी को चेयर पे नहीं बिठाएगा, उन लोग को गिराएगा। एक बार कोई गिर जाएगा खुद से हील होकर उड़ सकता है, दूसरे बार गिरेगा तो मैंने आपको बताया कि उसे दूसरे की मदद चाहिए, नहीं तो ऐसी वो ज़मीन पर रेड़िया रगड़ रगड़ के मर जाएगा, यानी ब्लीडिंग होकर मर जाएगा। सबसे ज़्यादा क्रूअल वो होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर ये है लॉयर, यहाँ पर कंपोज़र, ये है मसनरी और ये है अंधी, और ये यानी तीन जन इसके अंदर डिकोडर है। अब मुझे ये पता है कि जब भी मैं यहाँ पे स्पॉन हूँ यानी कि हंटर यहाँ पे स्पॉन होता है तो शेड के पास कोई ना कोई स्पॉन होता ही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मसनरी है यहाँ पे स्पॉन हुआ है, यहाँ पे मुझे किसी ना किसी की तो इमेज मिल ही जाएगी, जो कि मुझे यहाँ पर मिल गई है, ये देख सकते हैं आप। और अभी मैं यहाँ पे ये तो कला होंगी शायद यहाँ पे हो मसनरी, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैंने सोचा भी कभी कभी मैं क्या करती हूँ, डायरेक्टली जाती हूँ और रियल वर्ल्ड में जाके मैं जल्दी से मार देती हूँ, कि दो अगर मैं हिट मारती हूँ तो मेरी वो एबिलिटी अनलॉक हो जाती है जिससे मैं डायरेक्टली फेक से रियल, रियल से फेक ऐसे जा सकती हूँ। मैं सोच रही हूँ और कोई यहाँ पर मुझे मिलता है क्या, तो नहीं अभी मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सोचा इसे यहीं पर बिठा देती हूँ, शायद यहीं पर वो भी हो, मसनरी यहीं पे हो, ऐसा मैंने सोचा। यहाँ पे एक्चुअली दो प्लेयर्स एक साथ ही कर रहे हैं रियल में, ताकि एक साथ करेंगे तो जल्दी मशीन हो जाती है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने उसे मारा और ये अभी चेयर पे बैठा हुआ, तो मैं सोच रही हूँ कि भाई इसे मैं गिराऊँ, गिराने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी गिर जाएगा, लेकिन कोई फेक से अगर उसे बचाता है तो मैं क्या करूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं खुद ही गिर गया, मैंने बोला देखा गिर गया ना, क्योंकि फेक वर्ल्ड में उसे किसी ने बचाया नहीं था। तो यहाँ पे मैंने इसे उठा लिया, बोले भाई बहुत अच्छी बात है, एक को तो मैंने ज़ख्मी कर दिया, दो यहाँ पे डिकोडर्स है, डिकोडर ज़्यादातर किसी को बचाने नहीं आते हैं, क्योंकि अब वो सोचते ये है कि अगर हंटर उनके पीछे पड़ जाएगा, जो मरने वाला है उसको वहीं पे रखेगा, पहले डिकोडर के पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा। तो ऐसे नहीं, उसकी वजह से मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ ऐसी बात नहीं। अब मुझे नज़र आ रहा है लॉयर, आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और यहाँ पे कंपोज़र मशीन्स कर रहा है, तो मैं वहाँ पे नहीं जा रही हूँ जो नज़र आ रहा है। मैंने सोचा यहाँ पे कोई ना कोई होगा, तो देखा यहाँ पे मुझे ये मिल गया। तो इतनी दूर से अगर मैं उसे मारी हूँ तो शायद ही उसके पास वो पहुँच सके, लेकिन वो जा सकता है क्योंकि वो अपनी एबिलिटी यूज़ करके जा रहा है। फास्ट होने के पास उसके पास एक एबिलिटी होती है म्यूज़िक की, वो यूज़ करके जाता है ना, वो ठीक है भाई चले जा, क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने एक्चुअली गिव अप कर दिया, उसने बोला जी भाई मैं ही जल्दी ऐसे मरने के लिए मिल गया, ऐसा वैसा, कोई कोई लोग गिव अप कर देते हैं, तो मैंने बोला अच्छी बात है जाने दो उसको गिव अप करने दो, वैसे भी जल्दी नहीं उठेगा, एक्चुअली मसनरी बहुत ही स्लो हील होते हैं। तो मैंने बोला चलो जो भागा हुआ है उसकी कहीं ना कहीं मुझे इमेज मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझे यहाँ पे उसकी इमेज मिल गई। आप देख सकते हैं कंपोज़र की, इसे पे मैं चेयर पे बिठा देती हूँ तो फिर ये कहीं फेक रियल वर्ल्ड में गिर जाएगा, तो फिर वो जो जितने भी डिकोडर है वो वाले ही डिकोड करने में बहुत ही फास्ट होते हैं, लेकिन एक दूसरे को हील करने में उठाने में उनका वैसे भी टाइम पास हो जाएगा। तो मैंने इसी इसके ऊपर बिठा दिया, और रियल में देखो मैं इसको यहाँ पे बिठा रही हूँ, ये यहाँ पे चला गया कहीं पे गिरने के लिए इसके पास में, बोले यहाँ पे उसको हील करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी फेक वर्ल्ड में मैंने उसे चेयर पे बिठाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आपको ये भी दिखा रही हूँ, देखिए आपको कंपोज़र के पास में आपको देखो कैसे रेड रेड दिख रहा है, मुझे दिख ही रहा है कि वो कहाँ पर है। अब मैं डायरेक्टली वहाँ पे उन्हें सरप्राइज़ देने के लिए जा रही हूँ फेक वर्ल्ड से चलते हुए, तो यहाँ पे उन लोग को तो मैं नज़र नहीं आऊँगी, देखिए इतने करीब भी आऊँगी तो भी मैं नज़र नहीं आऊँगी। देखिए मैं यहाँ पर आ रही हूँ और लोग आराम से कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे गिर जाएगा, देखा गिर गया, तो ये पता नहीं क्या करे बेवकूफ़, मुझे समझ नहीं आ रहा वो उसे क्यों पागल की तरह इतने देर तक बैठा हुआ था, उसको उठाने की कोशिश कर रहा था, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे देखिए अभी ये है, इसे लग गई यहाँ पे, क्योंकि ये लोग थोड़े से एक्चुअली लॉयर है ना, अभी उसको थोड़ा सा बफ मिला उसकी वजह से बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन मुझे डरने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे देखिए दोनों गिर गए हैं, बोला चलो इसको बिठा देते हैं यहाँ पे। और एक्चुअली क्या है, लोग में से कोई भी स्टनर नहीं है, कुछ खास गाइड करने वाले लोग हैं नहीं, जो डिकोडर होते हैं अक्सर कमज़ोर होते हैं। देखिए उसको उठाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे देखिए मैंने ब्लिंक किया लेकिन वो कहाँ पे चला गया, तो भाई ठीक है वो देखो खुद से उठी है, देखो उसे उठकर उसे बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं नहीं बचा सकता, दोनों भी अभी ज़ख्मी हैं। तो इसमें से लॉयर एक्चुअली हील नहीं हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं उसका हाफ से ज़्यादा डैमेज है, एक्चुअली ये हो सकती है, देखिए फिर भी कोशिश कर रही है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं कुछ भी करूँ, किसमें भी खेलूँ, कितने भी जख्मी पकमी हो, ऐसे ही कर रही है, एक को मैं मारी हूँ तो दूसरे ने बचा लिया, यानी कि इन लोग को सिर्फ बचाने से मतलब होता है, मैंने पहले ही बोला आपको कि इन लोग को
सिर्फ और सिर्फ बचाना होता है और कुछ भी नहीं करना होता है। मैंने बोला अच्छा भाई ठीक है, आप लोग वहीं पे जाओगे उसी को उठाने की कोशिश करोगे, तो मैं एक काम करती हूँ यहाँ पे फोटोवॉल लगा देती हूँ, क्या आपका पीछा करना मुझे इतना मुश्किल है नहीं, क्योंकि इतना ये कोई काइटर कोई स्टनर कोई कुछ है नहीं। तो मैंने बोला भाई अच्छा मैं सबकी इमेजेस देख लेती हूँ यहाँ पे। तो देखिए मुझे इन लोग की इमेजेस मिल गई यहाँ पे, मैं देख रही हूँ यहाँ पे कोई है क्या, कभी कभी रहते ही उसी जगह पे हील करने की कोशिश करते, मतलब अच्छा ठीक है नहीं है तो नहीं है जाने दो। तो ये जो था उसको मैंने पहले भी, यानी कि वो आया था तब मैंने उसे ये किया था ना, गिराया था, तो उसको किसी ने उठाने वो तो भाग गए। बोला अभी चलो इन लोगों की इमेजेस हैं, इन लोग को अभी मैं यहाँ पे बिठा देती हूँ। ये फेक वर्ल्ड में आप देख सकते हो, और इस चेयर पे मैंने रियल में बिठाया, आप देख सकते हो उसे किसी ने बचा लिया है। देखिए क्योंकि उन्हें सिर्फ बचाना आता है, कितने भी ज़ख्मी हो कुछ भी हो कुछ भी हो वो सिर्फ बचाते, आपने अभी भी देखा। यहाँ पे मैंने इसे फेक में बिठा दिया, अब मुझे यहाँ पे इसे बिठाना है। और ये देखिए यहाँ पे इसे हिल कर यहीं पे है, ये इसी मशीन के पास है। तो मैंने बोला भाई ठीक है तुम लोग का टाइम पास तो उसी में हो जाएगा, मैं कहाँ लेके जा रही थी इसको यहाँ पे, इसे जाना यानी कि मैंने बोला ठीक है इसे जाने तो बहुत टाइम हो जाएगा, और इसे कोई फेक वर्ल्ड से भी बचा लेगा, उससे अच्छा मैं यहीं पर रह जाती हूँ। तो देखा ये लोग यहीं पर है, क्योंकि ये देखिए यहीं पर गिरे हुए हैं, देखा आपने, कहीं दूर जाए ऐसा कुछ नहीं, जल्दी जल्दी हील करने के पीछे पड़े हुए हैं। तो मैंने बोला ठीक है जो भी मिल रहा है उसको मैं उठा के अभी बिठा देती हूँ। देखिए यहीं पे भाग रहा है, लेकिन उसने अपनी एबिलिटी यूज़ की भागने की, अब देख सकते हो कितना फास्ट हो गया, देखना ये जो सा हवा जैसे दिखाई देता है उस तरह से फास्ट भागता है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो एक बार गिर जाता है फ्रेंड्स वो अपनी बार एक बार खुद से उठता है, लेकिन दूसरे बार अगर उसे मैं गिरा दूँ तो फिर से नहीं उठ सकता, उसे दूसरे की मदद की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं फिर भी बचाने की कोशिश कर रहे हो, इन लोगों को सिर्फ एक ही काम है, कितने ज़ख्मी हो मर रहे हो बचाने की कोशिश करेंगे ही, अभी ये है। बोला ठीक है भाई वो गिरा तो तू आ रहा है भाई, अभी देखिए आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो खुद से उठी हुई है। और देखिए अभी ये जब मैंने उसे गिराया था, क्या नाम है यार ये माइंड सर, वो खुद से उठी थी, अभी अगर वो दूसरे बार गिर जाती है तो उसे दूसरा को उठाने के लिए लगेगा। यहाँ पे मैं इसे ही बिठा रही हूँ, और अब देख सकते हैं कि ये खुद से उठ सकता है और ये उठ के उसे बचा भी सकता है। यहाँ पे एक्चुअली मैं सबका काम आसानी से तमाम कर सकती हूँ, लेकिन मुझे खेलना है एकदम क्रूअल बन के, यानी कि ऐसे ही इन लोग को नहीं छोड़ना है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे देखिए कैमरा वर्ल्ड लगा दिया, ज़रूरत नहीं थी मुझे यहाँ पे आकर कैमरा वर्ल्ड लगाने की, मैं जानबूझ कर यहाँ पे खड़ी हूँ क्यों। मैंने बोला जाओ पहले यहाँ से निकल जाए आराम से, उसको भी बचा ले जो बाजू में, उसको भी आराम से जाके बचा ले, ये जो यहाँ पे है वो, उनके पीछे मैं नहीं जाती हूँ। जबकि मेरे लिए बहुत ही ईजी था यहाँ पे आके, मुझे फ़ोटो वर्ल्ड लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लॉयर को उठा देती कहीं बिठा देती हो जाता काम, लेकिन मैंने जानबूझ के किया। आप देखिए इसे आइन वक्त पर उसने बचा लिया, लेकिन देखिए आप फेक वर्ल्ड में दोनों भी बैठे हैं, आप देख सकते हैं जो अंधी है वो भी और वो जो कंपोज़र वो भी। अभी सिर्फ एक को मैं मुझे बिठाना है इसको, और ये खुद से अभी उठा रहा है, आपने देखा ये खुद से उठा हुआ है। तो इसे मैंने क्या किया, अभी मैं इसे बिठा देती हूँ तो तीनों जन फेक वर्ल्ड में बैठे रहेंगे। जबकि देखिए ये लोग रियल में इस तरह से है, अभी देखिए ये भी यहाँ पर भाग रहा है, जब वो दूर जाना चाहती है मुझसे, और मुझे नहीं पता ये यहाँ पे जाके क्या कर रही थी बेसमेंट में। मैंने बोला भाई इन लोग को कोई फेक से ना बचा ले, देखिए फेक में सभी बैठे हुए हैं, देखिए ये भी है यहाँ पे, ये भी भाग रही है। अब जैसे ही फेक वर्ल्ड ख़त्म होगा अब देखना, ये देखिए ये गिर गया, ये गिर गया, ये भी गिर गई। इसमें से दो लोग खुद से उठे हुए हैं बाद, और एक ही है शायद वो खुद से नहीं उठा है शायद, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कंपोज़र के ऊपर, खुद से उठा था क्या वो पता नहीं, शायद उठा होगा। अभी देखिए मुझे मिल गई, इसे मैं आराम से चेयर पे बिठा सकती हूँ, लेकिन नहीं मुझे उसे भी यानी बिठाना ही नहीं है। अब मुझे और लोगों को देखना है कि कहाँ पे है भाई, और यहाँ पे अभी वो खुद से तो उठ नहीं गई, इसमें से कोई उठेगा तो, अब मुझे बता रहा है यहाँ पे देखिए वो खुद से उड़ गया कंपोज़र। ओके आपने देखा यहाँ पे कंपोज़र खुद से उड़ गया यहाँ पे, अब देखिए उसने उसे भी बिठा यानी कि उठा दिया, ये खुद से नहीं उठ सकता है उस, ये अभी देखिए ये यही एक है जो अपने आप यहाँ पे उठ गया था। मैंने बोला अच्छा ठीक है तेरी उठने की मैं वेट कर रही थी कि भाई तू एक बार खुद उठ जाए, ठीक है। बोला अच्छा हाँ अब तुम लोग उठो, अब क्या मेरे पास तो है, मुझे ज़रूरत नहीं है ये सब करने के लिए, ये सब करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, ये बहुत ही क्रूअल है, एकदम ही वाहियात तरीका है ये हंटर खेलने का, कि उन लोग के साथ आप इस साथ चूहे बिल्ली का खेल करेगा, अरे आपको सब मिल गए हैं मारो उन्हें बिठा दो ख़त्म करो, लेकिन नहीं मैं क्या करूँगी इन लोग का इस तरह से ही मुझे करना है क्या, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा क्रूअल बनना है, उन्हें मुझे उठने ही नहीं देना है। अभी देखिए मैंने फिर से गिरा दिया, आप देख सकते हैं अभी मैं इसे बिठा रही हूँ, ये देखिए लोग सब एक ही जगह पर मौजूद हैं। और अब मैं किसी और को यहाँ पर मुझे पता है यहाँ पर ये थी, इसे मैं बिठा देती हूँ। अगर अभी ये सब के सब मुझे पता है खुद से उठे हैं, मैंने खुद देखा था वहाँ पे, अभी जब मैं ये रिप्ले अब देख रही हूँ तो मुझे वो कंपोज़र का याद नहीं रहा, लेकिन वो अभी उठा।
तो मैं पूरा ध्यान दे रही थी कौन अपने आप उठा था। एक तो वो खुद से उठी थी, फिर वो लॉयर उठा था, फिर कंपोजर उठा। अब अगर ये गिर जाते हैं तो कोई भी नहीं उठने वाला। ये देखिए सब यहीं पे है, एक ही जगह पे हील होने की कोशिश कर, लेकिन ये खुली बकवास है, वो हील नहीं हो सकते क्योंकि वो गिर जाएंगे ना। अभी देखिए फिर से मैंने सबको बिठाया, सबके सब पूरे हील हो गए, कोई मतलब ही नहीं है। आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, ये लाइन देखिए आपने, ये यानी कि जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है ना, आपको उसमें क्या होता है, वो उसमें ही तक हील हो सकते हैं, अभी वो हील नहीं हो सकते हैं। अब देखिए सब मेरे पैरों के पास घूम रहे हैं, वो चाहते हैं कि मैं उन लोग के ऊपर तरस खाऊं, उन लोग को मैं छोड़ दूं यहाँ पे। ऐसे ऐसे उन लोग चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो उठ नहीं सकते हैं। लेकिन ये लोग सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं जब मैं हंटर खेलती हूँ तो लोग सरेंडर क्यों नहीं करते। देखिए यहाँ पे अभी मैं इनका मज़ा ले रही हूँ कि भाई तुम में से कोई भी नहीं उठ सकता। इसमें सबसे बड़ा क्रूअल चीज़ बात ये है फ्रेंड्स, किसी भी सर्वाइवर को आप ब्लीडिंग करके मरने देना नहीं। एड़िया घिस घिस के वो मर जाए ज़मीन पर, वो यानी कि इस तरह से रगड़ 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 के एड़ियाँ, वो कहते हैं ना, वो कुछ पुरानी कहावत है, ऐसे मर जाए। देखिए मैं उन लोगों को कैसे उनके साथ खिलवाड़ कर रही हूँ। ये देखिए मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि भाई मुझे तुम्हारे ऊपर तरस नहीं आ रहा, तुम लोग चाहे तो सरेंडर कर दो, लेकिन मेरे गेम में कोई भी कभी भी सरेंडर नहीं करता यहाँ पर। ये देखिए इन लोग यहाँ पे, पता नहीं ये लोग क्या सोचते हैं यहाँ पे, सरेंडर क्यों नहीं करते मुझे नहीं पता। आप सब देख सकते हैं उनकी कितना ये बार भर रहा है, और रेड बार जो भर रहा है वो कितना भर रहा है यहाँ पे। सब लोग यहाँ पे मरने वाले हैं यहाँ पे, देखिए सब ऐसे रगड़, क्योंकि वो उठ नहीं सकते हैं। और सब लोग को मैं चेयर पर उठूँ तो उड़ जाएंगे, और मैं यहाँ पर खिलवाड़ करी हूँ, उनको समझ में भी आ रहा है, लेकिन फिर भी वो सरेंडर नहीं कर रहे हो। यही वक्त होता है जब मेरे मेरा दिल पसीज जाता है, लेकिन मुझे यहाँ पे इसी तरह से इनको मरते देखना है। ये सबसे बड़ा हंटर को लोग कब गालियाँ देते हैं जब हंटर ऐसा करता है, यानी कि अपने सामने उसके पैरों के पास लोग यहाँ पे मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि भाई हम पर तरस खाओ, फिर भी वो उन्हें चेयर पर नहीं बिठा रहा है, जबकि उन्हें ब्लडिंग होकर तड़प तड़प के मरने को दे रहा है। ये सबसे क्रूअल बात है, हंटर अगर ऐसा करता है तो लोगों को बहुत गुस्सा आता है, और मुझे भी बहुत गुस्सा आता है अगर मैं कभी सर्वाइवर खेलूँ कोई हंटर ऐसा करे तो। यहाँ पे देखिए ये चूहे बिल्ली का खेल है, इसे मैं कर रही हूँ स्ट्रगल फ्री। ये देखिए अगर वो स्ट्रगल फ्री होता है, देखिए उसकी ज़्यादा बार भर रहा है, आप देख सकते हैं लॉयर को देखिए, थोड़ा सा रह गया उसका बार, वो भर जाएगा, उड़ जाएगा। मैं सोच रहा हूँ अगर मैं इसे स्ट्रगल फ्री करूँ तो ये क्या करता है, ये दूसरों को उठाता है या भागता है ऐसा। अगर उसको उन लोगों को उठा भी देता है तो मुझे मारने में बहुत वैसे भी आसानी हो। तो ये सब चूहे बिल्ली का खेल है, मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ कि अपने दोस्तों के साथ क्या करता है। अगर मैं इसे तो मैं कहीं बिठा नहीं रही हूँ तो ये क्या करता है, उन लोग को उठाता है क्या नहीं, वो मैं देख रही। देखिए अभी इन लोग को आसानी से उठा सकता है, वो भाग गया। भाई क्यों भाग गए, अपने दोस्तों को उठाने की कोशिश करना बेवकूफ़। तो मतलब इतना बेवकूफ़ तो इतना मुझसे डर रहा है, नहीं तो मैं तुझे स्ट्रगल फ्री क्यों करवाती है। तो यहाँ पे पता नहीं वो क्यों भाग गया, जबको उन्हें उन्हें स्ट्रगल फ्री कराना चाह स्ट्रगल फ्री बोली, उन्हें उठाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ पे भाग भाग गया। मतलब अभी इन लोग चाहते कि मैं इन लोग को उठाऊँ, शायद मैं इन लोग को भी यानी कि स्ट्रगल फ्री करवाऊँ, ऐसे इन लोग को लगता है, इसलिए इन लोग मेरे पैर के पास आ रहे हैं। देखिए मेरे पास आ रहे हैं कि हमें भी उठाओ, हमें भी स्ट्रगल फ्री कराओ, उन्हें लगता है कि मैं उन्हें स्ट्रगल फ्री कराऊँगी। लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, उन लोग का तमाशा देख रही हूँ। ऐसे देखो चाहते हैं कि भाई उठाओ, हमें भी उठाओ, अगर उसे उठाते हो तो हमें भी तो उठाओ, हमने क्या बिगाड़ा है। देख सकते हैं आप, मुझे कमेंट मिली थी अब जितना इसे यानी क्रूअल खेल सकते हो हमें क्रूअल खेल के बताओ। यहाँ पे अभी देखिए मैं इसे स्ट्रगल फ्री करा रही हूँ, अगर मैं इसे बार बार ज़मीन पर गिराऊंगी तो जल्दी स्ट्रगल फ्री होगी, लेकिन ऐसे अगर मैं उसे स्ट्रगल करवाऊंगी तो स्ट्रगल होने से पहले वो मर जाएगा, वहाँ पे मर जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं उसका कितना बार भर गया कंपोजर का, आप देख सकते हैं मेरे कदमों के पास वो घूम रहा है। ये देखिए अभी जब तक वो उठेगा तब तक देखिए वो तो मर ही गया, आप देखा आपने उसको देखा, वो मर गया, वो तो उड़ गया, क्योंकि वो वैसे भी उस कितना भी करती मैं उसको तो भी यानी कि अगर स्ट्रगल फ्री करवाना मुझे दिल से ही होता उसे, तो मैं बार बार उस चेयर पे यानी कि उसे ज़मीन पर गिरा गिरा के उसे जल्दी से स्ट्रगल फ्री करवा सकती थी, लेकिन मेरा इरादा नहीं था, मैं चाहती थी कि वहाँ पर रड़िया रगड़ के वो मर जाए। तो ये है चूहे बिल्ली का खेल एक्चुअली। तो यहाँ पे मुझे कमेंट मिला था कि वो जितना खूबसूरत है ये हंटर, उसे उतना ही यानी कि उसका उसका दिल कितना बड़ा बदसूरत हो सकता है, या वो कितना बड़ा ये हो सकता है यानी कि संग दिल हो सकता है, वो भी खेल के बताओ। तो ये एक्चुअली मुझे ऐसा खेलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अभी मुझे कमेंट मिला था तो यहाँ पे देखिए ये तो था ही बेवकूफ़। अब देख सकते हैं ये भी मुझे क्यों घूम रहा है, कि बोला तुझे तूने मुझे पहले भी स्ट्रगल फ्री करवाया था तो मुझे करवा दे, तो मुझे नहीं ना कराना है क्यों, क्योंकि मुझे तुम लोग को देखना है कि तुम लोग ऐसे मर जाओ, ये अच्छी बात नहीं है।
हंटर जब किसी को इस तरह से मारता है कि अपनी नज़रों के सामने देखता है कि वो एडिया रगड़ रहा है और उसको दिल बिल्कुल भी नहीं पसीज रहा है, तो आप सोच सकते हो कितना गाली देगा हंटर को। अभी ये अकेली बच्ची यहाँ पे, आप देख सकते हैं अपना कर रही है यहाँ पे मशीन, और मुझे पता है ये यहीं पे, आप देख सकते हैं बिचारी अकेली रह गई है, तो ये भाग रही है फिर भी। उसे अकेले सरेंडर करना चाहिए, फिर भी नहीं कर रही यहाँ पे। ये देखिए काइट करने की कोशिश करी है यहाँ पे, और देखिए अब बोल रही तू चाहे तो मुझे मार दे यार, मैं मर जाती हूँ। लेकिन यहाँ पे फिर भी मैंने सोचा कि मैंने बहुत बहुत क्रूअल कर लिया भाई, मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा क्रूअल गिरी, वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था ये क्रूअल गिरी करने के लिए। तो मैंने बोला कैसे क्या करूँ, मैंने बहुत यानी कि अपने दिल पर पत्थर रख कर ये गेम खेला है कि मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा गालियाँ मुझे इन लोगों ने दी होगी जिनको मैंने इस तरह से मारा, और मुझे खुद नहीं अच्छा लगा कि इतना बेरहम इतना संगदिल हंटर बन के मुझे नहीं खेलना, वो भी मेरा सबसे फेवरेट जो हंटर है जो इतना खूबसूरत है और लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ भी करते हैं जब ये किसी को विजिट देता रहता है, जब ये हंटर हम लोग जब ये मैच मिलते तो हंटर्स के पास विजिट रहता है ताकि सर्वाइवर्स को पता चलता है कि कौन हंटर है। तो जब भी मैं विजिट देती हूँ, अगर मेरे पास विजिट हो इस हंटर का है मेरे पास, तो लोग तारीफ़ करते हैं कि भाई ये हंटर कितना अच्छा है कितना खूबसूरत है वगैरह वगैरह, लोग बहुत चाहते हैं एक्चुअली जोसेफ को। लेकिन मैंने उसको ही सबसे बदसूरत यहाँ पे बना दिया, तो मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन मैंने खेला है जैसे कि कमेंट था कि जितना वो खूबसूरत है उतना उसका उसे खुद बताओ कि वो कितना ख़तरनाक और बदसूरत हो सकता है। तो फ्रेंड्स फ़िलहाल के लिए इतना ही, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन मैं ऐसा फिर से नहीं खेलने वाली, तो आई एम सॉरी फॉर दिस। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, तो थैंक यू एंड गुड बाय फ्रेंड्स।